जी, हमारे अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन जैन साहब, कृषि विपणन बोर्ड मंडी परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल टप्पू जी, अपर मुख्य सचिव राधा रघुवी जी, अपर महानिदेशक पुलिस डॉक्टर पीवीके प्रसाद जी, कमांडेंट जनरल होमगार्ड्स श्री केवल खुराना जी, श्री नारायण सिंह नकलचार जी आईजी और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष श्री डी एस मकोलिया जी एवं यहाँ पर उपस्थित आए हुए हमारे सभी अतिथिगण, सभी होमगार्ड और उनके सभी परिजन, सभी हमारे जवान, और आज के कार्यक्रम में इस परेड को देखने के लिए आए हुए हमारे स्कूलों के सभी मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राएं, मैं उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, सभी मीडिया के हमारे साथियों, सर्वप्रथम आज के इस शुभ अवसर पर मैं सभी होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के स्थापना दिवस की आप सबको अपनी ओर से मैं बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और आप सबके हौसले को भी नमन करता हूं तथा आपके उज्जवल भविष्य की भी कामना करता हूं। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि मुझे आज के इस शुभ अवसर पर आप जैसे सभी जवानों के बीच उपस्थित होने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। राष्ट्र सेवा का अद्वितीय उदाहरण अगर कहीं स्पष्ट देखने को मिलता है तो जब भी आप सब लोगों की परेड देखते हैं, आप सबके कर्तव्य देखते हैं, साहस और वीरता के जो प्रदर्शन है वो देखते हैं, तो आप सब जवानों के आकर बीच में आकर देखने को मिलता है। आपके द्वारा जो आज यहाँ पर रैतिक परेड की गई वो अत्यंत ही हर किसी के मन को मोहने वाली थी, और जवानों द्वारा जो मोटर बाइक पर जो साहस, कौशल एवं संतुलन का प्रदर्शन किया गया वो अत्यंत ही मंत्रमुग्ध करने वाला था। और बहुत सारे लोगों ने, जब हमारी नई जो महिला होमगार्ड्स भी अपने कर्तव्य दिखा रही थी, या बीच रिंग के बीच से मोटरसाइकिल निकल रही थी, या सीने पर रखकर बड़े ब्रिक्स को तोड़ा जा रहा था, या सरिया से वो हमारे प्रशिक्षकों ने जो करवाया था आईटीबीपी के, जिनके बारे में बता रहे थे, जब वो तीन सरिया को तोड़ा जा रहा था, तो मैं समझता हूं कई लोगों ने अपना दिल थाम लिया होगा। आप सभी जवान हमारे सहयोगी हैं और विभिन्न क्षेत्रों में हमें अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। राज्य में कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने में आप सबका बहुत योगदान है, जो अमूल्य है, जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है, क्योंकि मैंने स्वयं अनेकों बार देखा है कि हमारे होमगार्ड्स के जवान कड़ी धूप में, यातायात हो, सुरक्षा व्यवस्था हो, या अभी अभी जो सिलक्यारा में टनल के बाहर उनको मैंने ड्यूटी के दौरान देखा है। मैं आप सबके इस जज्बे को सलाम करता हूँ। कोविड महामारी हो, वीआईपी कार्यक्रम हो, या फिर कांवड़ यात्रा हो, या कोई अन्य यात्रा हो, चारधाम यात्रा हो, जिस निष्काम सेवा से आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं वो अभूतपूर्व होता है। आप लोगों का एक ही मंत्र रहता है कि जहाँ कम वहाँ हम। यह स्वैच्छिक संगठन हमारी समुदाय की सुरक्षा और न्याय के लिए
सक्रिय रूप से काम करता है और समय समय पर आपने साबित किया है कि हमारी समाज में एकमतता और सामूहिकता है जो हमें सशक्त बनाती है, शक्तिशाली बनाती है, हमारे अंदर साहस पैदा करती है। यह सच है कि हमारे सभी सदस्य विभिन्न पेशेवर पृष्ठभूमियों से हैं, लेकिन सभी का एक ही लक्ष्य है, देश और समाज की सेवा में अपना अधिकतम योगदान देना। इस संकल्प के साथ आप प्रदेश की समृद्धि, सहयोग और समर्पण का महत्वपूर्ण अंश बन रहे हैं। मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार आपको हर प्रकार से सहयोग देने के लिए तत्पर है। इस वर्ष हमने होमगार्ड्स के लिए सेना की तर्ज पर सीएसडी कैंटीन की सुविधा भी शुरू की है, जिसके लिए होमगार्ड्स का स्पेशल कार्ड बनाया जा रहा है। इसके साथ ही होमगार्ड विभाग में आपदा राहत एवं बचाव कार्यों तथा जन सामान्य सहायता के लिए द्रुत मोबाइल एप्लीकेशन बनाया गया है, जो अत्यंत ही सराहनीय है। और यह ऐप शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला प्रदेश है। बीते 28 नवंबर 2023 हमारी सरकार द्वारा साहसिक निर्णय लेते हुए महिला होमगार्ड्स को प्रसूति अवकाश अनुमन्य किया गया है। हमने समस्त होमगार्ड स्वयंसेवकों हेतु पूरे सेवा काल में 6 माह का चिकित्सा अवकाश प्रदान करने की भी संस्तुति प्रदान की है। राज्य में प्रथम बार महिला एवं पुरुष होमगार्ड्स को आत्मरक्षा हेतु विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। इसी वर्ष होमगार्ड द्वारा विभागीय बैंड मस्का बाजा की भी स्थापना की गई है, जो कि एक सराहनीय प्रयास है। आपकी होमगार्ड्स हेल्प डेस्क भी अभूतपूर्व कार्य कर रही है। हाल ही में हरिद्वार गंगा आरती में शामिल होने आए एक परिवार का नन्हा बालक अपने परिजनों से बिछड़ गया था। होमगार्ड्स हेल्प डेस्क ने तुरंत उसे ढूंढकर परिजनों को सौंपा। उसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो बहुत कम है। बहुत ही सराहनीय काम होमगार्ड्स के द्वारा किया गया। हाल ही में राज्य में 330 महिला होमगार्ड जवानों की भर्ती की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और प्रशिक्षण के बाद आई गई वो सभी भी आज परेड में शामिल हुए। उन सब की परेड आपने देखी, एक मातृशक्ति के सशक्तिकरण का एक बड़ा उदाहरण हमारे सामने उन सब के माध्यम से प्रस्तुत हो रहा है। अब हम 300 पुरुष होमगार्ड जवानों की भर्ती की भी तैयारी कर रहे हैं। हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश के जमाने से चले आ रहे होमगार्ड भर्ती के मानकों में भी कुछ बदलाव किए हैं। मैं सभी होमगार्ड्स के जवानों और विभाग के अधिकारियों को ये विश्वास दिलाता हूं कि आपके और आपके परिवार के बेहतर जीवन के लिए जो भी आवश्यक होगा वह हम अवश्य करेंगे। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी जवानों के लिए कुछ जो आगे प्रस्तावित होने वाला है उनको घोषणा में सम्मिलित करने के लिए मैं चाहता हूं आप सबके समक्ष कहूं। यह घोषणाएं निश्चित रूप से हमारे होमगार्ड्स भाइयों बहनों के लिए लाभकारी साबित होंगे। होमगार्ड्स विभाग में शस्त्र प्रशिक्षण प्रदान किए जाने हेतु इंडोर फायरिंग रेंज, जिसके बारे में अभी कमांडेंट जनरल ने यहाँ पर हमारे सामने बात रखी थी कि प्रेम नगर में विभागीय भूमि पर निर्माण किए जाने की मैं घोषणा करता हूँ। होमगार्ड जवानों को वर्ष भर में 12 आकस्मिक अवकाश दिए जाने की भी घोषणा करता हूँ। होमगार्ड स्वयंसेवकों की कंपनी कार्यालय, ट्रांजिट कैंप, इमरजेंसी सर्च एवं रेस्क्यू सेंटर हेतु भवन निर्माण किया जाएगा। विभागीय मोटरसाइकिल दस्ते हेतु मोटरसाइकिल भी क्रय की जाएगी। पुलिस कार्मिकों एवं एनडीआरएफ की भांति उच्च हिमालयी क्षेत्रों में ड्यूटीरत होमगार्ड स्वयंसेवकों को प्रोत्साहन हेतु अनुमन्य राशि प्रदान की जाएगी। भाइयों बहनों, जिस प्रकार आप लोग
अपने समर्पण भाव, कर्तव्य पालन से राज्य और देश की सेवा कर रहे हैं, उसी प्रकार हमारी सरकार ने भी इन घोषणाओं के माध्यम से आपको एक बेहतरीन बेहतर जीवन प्रदान करने का संकल्प लिया है और राज्य के हित में जहां भी जरूरी हुआ है हमने कुछ मान्यताओं को छोड़ते हुए उस पर भी निर्णय लेने में तनिक भी देरी नहीं की है। मैं इस अवसर पर एक बार पुनः आपके द्वारा प्रस्तुत शानदार रैतिक परेड के लिए सभी जवानों को, कार्मिकों को और विभाग के अधिकारियों को, कमांडेंट जनरल समेत उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में होमगार्ड तथा नागरिक सुरक्षा संगठन के सभी अधिकारी, सभी जवान, सभी हमारे कर्मचारी उत्तराखंड राज्य के विकास तथा उसकी कानून व्यवस्था को एवं शांति स्थापना के कार्यों में अपना महत्वपूर्ण योगदान जिस प्रकार से देते आए हैं इसी प्रकार से प्रदान करते रहेंगे। अंत में आप सभी को फिर से आज के इस शानदार दिवस के लिए, शानदार आयोजन के लिए, शानदार परेड के लिए, साहसिक प्रदर्शन के लिए मैं बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अंत में मेरे साथ जोर से मुट्ठी बांध कर बोलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद।